12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, 12 करोड़ गरीब घरों में शौचालय बन गए हैं, 10 करोड़ गरीबों को आपने देखा होगा कि 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस के सिलेंडर पहुंच गए हैं और 4 करोड़ गरीबों के मकान भी बन गए हैं। बहनों और भाइयों, ये काम कांग्रेस चाहती तो वो भी कर सकती थी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी चाहती तो वो भी कर सकती थी, लेकिन इन्होंने अपने परिवार के लिए तो भरा, अपने परिवार वालों के लिए खूब कमाया, लेकिन गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया। और एक तरफ किया कुछ नहीं, वहीं आपने वर्तमान में कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन, इनके घोषणा पत्र को देखा होगा। अपने घोषणा पत्र में क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हम गरीबी हटाएंगे। कैसे हटाएंगे गरीबी? गरीबी हटाओ का नारा तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी दिया था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था 1970 में गरीबी हटाने का। बहनों और भाइयों, 54 वर्ष के बाद भी नाती भी वही तोता रटंत लगाए जा रहा, हम गरीबी हटाएंगे, एक झटके में हटाएंगे। जब उससे पूछा गया कि कैसे हटाएंगे, तो कहता है हम सभी लोगों की संपत्ति का सर्वे करवा देंगे, और सर्वे कराने के बाद अगर किसी के पास 4 कमरे का मकान है ना, तो 4 कमरे के मकान में अगर उनके परिवार में 4 लोग हैं, तो कहेंगे कि भाई तुम्हारे लिए 2 कमरे पर्याप्त हैं, 2 कमरे हम दूसरे लोगों को जबरदस्ती कब्जे में ले लेंगे, उस पर कांग्रेस का अधिकार हो जाएगा। वह कह रहे हैं हम सर्वे कराएंगे। देखो, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि स्त्री धन पर केवल स्त्री महिला का अधिकार है, कोई दूसरा अधिकार नहीं कर सकता। लेकिन ये बेश्रम लोगों को देखो ना, ये कहते हैं कि महिलाओं के जेवर को भी हम अपने कब्जे में ले लेंगे। क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार करेगा? क्या स्वीकार करेगा क्या? लेकिन इनकी हालत देखो, और किसको बांटेंगे ये? आपकी संपत्ति को बांटने का काम किसको करेंगे? बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या लोगों को, जो विदेशी आए हैं घुसपैठियों, उनको बांट देंगे ये लोग। क्या आपको ये हिंदुस्तान इसको स्वीकार कर पाएगा क्या? लेकिन ये कांग्रेस के लोग, इंडी गठबंधन के लोग कहते हैं कि हम ऐसा कर देंगे।